नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल युग चरण में। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए गोवा पहुंच गए हैं। बिलावल 12 साल बाद भारत आने वाले पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री हैं। इससे पहले 2011 में पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हीना रब्बानी खार भारत आई थी। 4-5 मई को होने वाली एससीओ मीटिंग में शामिल होने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी गोवा पहुंच चुके हैं। यहां वो विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। चीन के फॉरेन मिनिस्टर भी एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत करेंगे। गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। रूस चीन के फॉरेन मिनिस्टर इससे पहले मार्च में G20 की एक मीटिंग के लिए भारत आए थे। गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ जनरल सेक्रेटरी झांग मिंग से मुलाकात की। उन्होंने कहा, भारत की अध्यक्षता में एससीओ का फोकस स्टार्टअप, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूथ एम्पावरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर है। रूस और यूक्रेन की जंग में सैनिक ही नहीं बल्कि मौका मिलने पर रिपोर्टर्स भी रॉकेट दाग रहे हैं। ऐसे ही रूस के एक रिपोर्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसमें वो रूस की तरफ से रॉकेट को लोड और फायर करते हुए दिख रहा है। वीडियो को यूक्रेन के ही एक प्रोसिक्यूटर यूदुंज मोमोदेव ने शेयर किया है। उन्होंने पत्रकार के इस तरह जंग में हिस्सा लेने की आलोचना की है। वहीं कुछ लोग इसे रूस का प्रोपगेंडा भी बता रहे हैं। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि पहले रिपोर्टर रूसी सैनिकों से बातचीत कर रहा है, इसके बाद वो सैनिकों की रॉकेट लोड करने में मदद करने लग जाता है। इस दौरान वो कहता है कि जंग में इस तरह से किसी पत्रकार का मदद करना गलत है। हालांकि ये एक स्पेशल केस है। ये कहने के बाद वो मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम में एक रॉकेट फिट करता है और कहता है कि ये उसकी तरफ से यूक्रेन को हेलो है। उसकी इस हरकत को जायज ठहराने के लिए वो कहता है कि रूस अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहा है। वो यूक्रेनी सैनिकों को नाजी भी कहता है। इसमें दावा किया गया कि जंग में अब तक रूस के 1,00,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं पिछले 5 महीनों में 80,000 घायल हुए हैं। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसलिंग के प्रवक्ता जॉन किब्री ने इंटेलिजेंस के हवाले से बताया कि पिछले 5 महीनों में 20,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है। इनमें आधे से ज्यादा प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप वैनगर के लड़ाके हैं, जिन्होंने यूक्रेन के बाखमुत इलाके में लड़ते हुए जान गंवाई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली टू व्हीलर कंपनी ओला ने कहा है कि वह अपने कस्टमर्स को करीब 130 करोड़ रुपए रिफंड देगी। क्यों, जानिए देखते हैं। कंपनी रिफंड के रूप में कस्टमर को चार्जर के पैसे यानी 9,000 से 19,000 रुपए तक वापस करेगी। एक विसल ब्लोअर की शिकायत के अनुसार ओला इलेक्ट्रिक सहित 4 कंपनियों पर आरोप है कि फेम के तहत सब्सिडी क्लेम करने के लिए कंपनियों ने अपने स्कूटर्स की कीमतों को कम रखा, लेकिन चार्जर और सॉफ्टवेयर के नाम पर ग्राहकों से अलग से पैसे लिए। CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने इलेक्ट्रिकल स्कूटरों की कीमत ज़्यादा रखने को लेकर जांच शुरू की। जांच के दौरान ओला ने सरकार से कहा कि वह चार्जर की कीमत के लिए रिफंड देने को तैयार है। जांच के दायरे में ओला इलेक्ट्रिक के अलावा हीरो मोटर कॉर्प, TVS मोटर कंपनी और एथर एनर्जी भी है। व्हाट्सएप ने मार्च 2023 में यूजर्स की शिकायतों और नियमों के आधार पर भारत में 47,00,000 से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट बैन कर दिए हैं। व्हाट्सएप की मंथली रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने 1 मार्च से 31 मार्च 2023 के बीच व्हाट्सएप में 47,15,906 भारतीय यूजर्स के अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया है। इन अकाउंट्स को भारतीय कानून और व्हाट्सएप के नियमों का उल्लंघन करने पर बैन किया गया है। रिपोर्ट से यह भी पता चला कि व्हाट्सएप को 4,720 शिकायतें मिली थी। इनमें से 4,316 शिकायतों में अकाउंट बैन करने की अपील की गई थी, लेकिन व्हाट्सएप ने केवल 585 के खिलाफ ही कार्यवाही की। इससे पहले फरवरी में व्हाट्सएप ने 46,00,000 भारतीय यूजर्स के अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया था। उससे पहले जनवरी में 29,00,000 अकाउंट, दिसंबर में 36,00,000 अकाउंट और नवम्बर में 37,00,000 अकाउंट बैन किए गए थे। कंपनी के मुताबिक अगर कोई गैर कानूनी, अश्लील, मानहानि से जुड़ा धमकाने, डराने या परेशान करने, नफरत फैलाने या किसी को उकसाने का कंटेंट अपने व्हाट्सएप पर शेयर करता है तो उसका अकाउंट बैन कर दिया जाता है।
इसके अलावा अगर कोई यूजर कंपनी के नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है तो भी उसका अकाउंट बैन किया जा सकता है। राजस्थान में 6 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स को नौकरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। एग्जाम से लेकर इंटरव्यूज तक अटक गए हैं। आरएएस और बड़ी भर्तियों की परीक्षाएं भी साफ होती नजर नहीं आ रही हैं। संकट के ये ऐसे बादल हैं जो फाइलों में ही अटक के रह गए हैं। पेपर लीक के बाद एक बार फिर से राजस्थान लोक सेवा आयोग चर्चा में है। इस बार कारण आरपीएससी मेंबर की नियुक्ति का है। इन नियुक्तियों के चक्कर में प्रदेश की बड़ी भर्तियां तो अटकी हुई ही है। दावा किया जा रहा कि पहली बार आरपीएससी में ऐसा मौका आया कि यहां 4 सदस्यों के पद खाली हैं और इसके लिए खुद आयोग के चेयरमैन संजय श्रोत्रिय ने राज्य सरकार को इन पदों को भरने के लिए लेटर लिखा है। अभी वर्तमान की स्थिति देखिए तो चेयरमैन समेत 4 पद भरे हुए हैं। इनमें एक मेंबर बाबूलाल कटारा को सेकेंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा की पेपर लीक प्रकरण में एसओजी द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसके बाद केवल 3 सदस्य ही कार्यरत हैं। इनमें भी एक सदस्य जसवंत राठी गंभीर बीमारी से अस्वस्थ हैं। ऐसे में अभी केवल 2 मेंबर ही एक्टिव है। फिलहाल खबरों में इतना ही। यूं ही बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल युग चरण पर।